गेटे या फारसी। चलो चले, हमें सूरज ढलने से पहले घर जाना है। चलो भी। आप सोच रहे हैं कि विकी को घोड़ा कहाँ से मिला, आप बस थोड़ा सा पास देखना चाहते हैं। आजकल सब कुछ इंस्टाग्राम के हिसाब से होता है और हमारे पास कुछ कैमरा ट्रिक्स है जिससे लाइक बहुत ज्यादा आएंगे। ये पूल के लिए परफेक्ट दिन है और फोटोशूट के लिए भी। और अगली बार अगर आप पूल साइड पर बैठे तो इस तरह का बड़ा मिरर जैसे विकी लेकर बैठी है वैसे लें। वो ये तो बहुत ड्रीमी लगता है ना? और आप इस तरह का मिरर भी ले सकते हैं गार्डन में कुछ ऐसी बढ़िया फोटोज के लिए। और मिरर में ये रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि ये फोटोशॉप्ड हो। और आप इसे ये दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये फ्लोटिंग हेड है, देखो। लेकिन सबसे बढ़िया वो लगता है कि वहाँ मिरर इस्तेमाल किया जाए जहाँ बैकग्राउंड के साथ कंट्रास्ट बहुत अच्छा आए। बहुत सुंदर है। क्या सिर्फ मैं हूँ या फिर इन गर्मियाँ चोरी ज्यादा बढ़ गई है? वो तुम मजाक नहीं कर रही क्या? आप ग्राम पर अंडर वाटर मैजिक रिक्रिएट करना चाहते हैं लेकिन अपने बाल गीले नहीं करना चाहते? एक साफ टब को पानी से भर ली और ग्राउंड पर दो चेयर रखी। ठीक है, मैं क्लोजअप के लिए तैयार हूँ। बहुत ज्यादा है। ओ नहीं, ये कैसा है? हाँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास एक नीला कारपेट है इस तरह का। वाह, पानी के रिफ्लेक्शन से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मियाँ पानी के नीचे है। एक इंस्टा पिक को रॉक करने के लिए बहुत है। ये तो बस ये है कि मैं पानी में गिर गई और ऐसे लैंड किया। वो वाली लुक। सेल्फीज हमेशा से अच्छी है पर कभी कभी सेल्फीज बोरिंग हो सकती है। देखा मैंने क्या कहा? ये तरबूज तो बहुत जूसी है। ओह, मेरे पास ये सेल्फीज को अच्छा बनाने के लिए बहुत बढ़िया आइडिया आया। हेली, क्या मैं तुम्हारी आँखें और ये तरबूज का स्लाइस ले सकती हूँ? मैं तुम्हारी कलात्मक आँखों पर भरोसा करती हूँ। मैं समझ गई। बस एक फल का इस्तेमाल करके तुम एक समर टाइम की बहुत अच्छी फोटो ले सकती हो। ये टेस्टी ट्रिक हर जगह काम करती है। बस एक दोस्त को ले और ये प्यारी तरबूज वाली ड्रेसेस ले। इंस्टा स्टोरी के लिए परफेक्ट है। और आप ये ट्रे गार्डन के फूलों के साथ भी कर सकते हैं। वाह, काश डोनट्स इस साइज में भी आते। कोई कह नहीं सकता ये एडिटेड नहीं है, है ना? ओ, बहुत प्यारी है। तो रुको, ये फिल्म शार्क्स और टोर्नेडोस के ऊपर है। अजीब है, देर हो रही है और मुझे नींद आ रही है। वो क्या तुमने देखा? रुको, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इंस्टाग्राम। अगर आप अपने इंस्टा पेज के लिए कुछ इस तरह का कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो ये हैक ट्राई करें। नहीं, मुझे मत मारो। क्या ये बस मैं हूँ या फिर ये सच में पीस ऑफ आर्ट है? फिस्ट बम। वाह, लटके रहो सोफिया, ये वाला पकड़ो, समझी? चलो ओलिविया, चलो। वाह, ये समर टाइम लुक तुम पर अच्छी लग रही है। हो गया। ये लुक ऐसे तो अच्छी लग रही है लेकिन कैमरा पे बहुत डल है। ओहो, मैं बहुत बदसूरत महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है क्या हुआ अगर हम थोड़ा एंगल चेंज कर लें। ठीक है, पीछे की तरफ खड़ी हो जाओ और मुझे पकड़ो। कभी कभी जब चीजें सही नहीं लगती तो आप उसे अपने देखने का नजरिया बदल दें। हाँ, बस थोड़ा सा बदलाव और ये फोटो बिल्कुल मॉडल स्टेटस पर पहुँच गयी। कलर्स को पॉप होते देखो। बस गिरना मत, वो बुरा होगा। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा फोन वो सारे लाइक्स को हैंडल कर ले। ये संडे है, तुम्हें पता है इसका मतलब, ये साफ सफाई का दिन है। और ये लाइट फिक्स्चर को साफ करना बिल्कुल भी आसान नहीं। वाह एमी, नींद आ रही है। एक मिनट रुको, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। हिलना मत। इस एथेरियल लुक के लिए अपने बालों को बराबर फैला ली और सुंदर से फूल अपने सर पर रखे। बहुत सुंदर है। भगवान, विकी पर ऐसा किसने किया? घबराओ मत दोस्त, जिस भी मॉन्स्टर ने किया है हम उसे ढूंढ लेंगे। पर इस समय कुछ तस्वीरें ले ली। इस तरह के मजाक या फोटोशूट के लिए बस पूल में चले जाएं और कोने पे इस तरह बैठे। ध्यान रहे कि आपने पोनीटेल बनाई है। अपनी दोस्त को इस तरह अपने बाल दे दें जब वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे, अपना सर नीचे करके। ठीक है विकी, ये तस्वीर बहुत बढ़िया है पर ये
तुम्हें फेमस नहीं करेगी। अपना सिर ना निकाले, इसे ग्राम पर पोस्ट करने का समय। मेरा दिन का सबसे बेहतर समय लंच, लेकिन मेरी लंच डेट कहाँ है? पर मैं इसके लिए इंस्टाग्राम पर डिपेंड हो सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हर कोई बढ़िया लंच कर रहा है, पर मैं हैशटैग ये बुरा है। एक सेकेंड रुको, अगर आप सच में अपनी लंच डेट को असली दिखाना चाहते हैं, अपनी ईयरबड्स को फोन से लगा दें ताकि आप इसे दूर से खींच सकें। अब अपनी सामने वाली कुर्सी पर इस फोन को रख दें और सेल्फी स्टिक को भी। वाह, ये सच में लग रहा है कि आपका डेट ये फोटोज ले रहा है। फोटोशूट, अकेले की पार्टी। हे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं लेट हूँ। कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को एंटरटेन करने का रास्ता ढूंढ लिया। तुमने मेरे बिना खा लिया? नहीं, तुम सच में कुक हो सोफिया। तो मैंने फिर लड़के को बोला कि तुम मेरी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। दोस्तों, हमें इस मोमेंट को कैप्चर करना होगा अभी। चीज बहुत प्यारी है, तुम्हें इसमें सबको टैग करना चाहिए। एमी, मैं सबको फ्रेम मिलाने के लिए अपनी बाजुओं को इतना लंबा नहीं कर सकती। चलो मैं ट्राई करती हूँ। अगर आपके पास हाथ में ट्राईपॉड नहीं है तो अपने हाथ को अपने सैंडल के बेस पर रखें ताकि आप पूरे ग्रुप की फोटो ले सकें। बस टाइमर मोड लगाना ना भूलें जब तक आपके पास सुपर फ्लेक्सिबल टोज ना हो। हाँ, किसी का भी सर नहीं कटा, मैं इसे सच में जीत कहूँगी। खैर, क्या मेरे पास पोस्ट अप्रूवल है? टैग करो सोफिया, टैग करो। आपको क्या लगता है, हम आपको ब्लूपर्स के बिना ऐसे छोड़ देंगे? तो देखें कि पर्दे के पीछे क्या होता है। एक बढ़िया इंस्टाग्राम फोटो लेने के लिए क्या आप ऐसी मजेदार लाइफ हैक वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं? बस हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। 1 2 3 गो। और ध्यान रहे कि ये मजेदार ट्रिप्स और ट्रिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ें और कैमरा लेकर इंस्टाग्राम हैक से इन पर काम करना शुरू करें। हमें टैग करना ना भूलें।